ऑनलाइन जॉब एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। हम इस परिचर्चा में जान रहे हैं निबोस एग्ज़ाम को कैसे पास करें। निबोस एग्ज़ाम जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड होता है, इसमें कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे निबोस IGC, निबोस डिप्लोमा और HSW, ऑयल एंड गैस, तमाम तरह के पेपर्स होते हैं। तो उन एग्ज़ामों को पास करने का वह कौन सा तरीका है जिसे हम एग्ज़ाम को पहली बार में पास कर पाए और फिर हमारा हर पेपर निकल जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज जो हम बात करेंगे वो क्वेश्चंस जो आता है, अक्सर ये क्वेश्चंस आता है किसी न किसी रूप में, जिसे हम बोलते हैं PPE लिमिटेशन। तो PPE लिमिटेशन से अगर निबोस एग्ज़ाम में पेपर आपका आता है, क्वेश्चंस आता है, तो आपको उसको कैसे राइट करना है, कैसे उस चीज़ को समझना है और किस तरह से राइट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आज हम इन जानकारी पे चर्चा करेंगे। और निबोस एग्ज़ाम में एक चीज़ और होता है कि निबोस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी चीज़ है कि तीन पेपर जो हैं वो तीन पेपर आपको पास करने होते ही होते हैं। यदि वह पेपर नहीं पास कर पाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। 5 साल का टाइम मिलेगा या कुछ टाइम मिलते हैं आपको फिर री एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन जितनी बार आप एग्ज़ाम देंगे उतनी बार आपको पेमेंट देने होंगे, उतनी बार आपको पैसे लगेंगे एग्ज़ाम के, और उसके बाद ही आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। बहरहाल वो सारे एग्ज़ाम की बात हो गई, अब हम बात करेंगे निबोस एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस आता है तो उस चीज़ को कैसे लिखेंगे। तो जैसा कि आप अब जान चुके हैं कि निबोस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस और उनको राइट करना, अगर आप समझ के राइट करते हैं तो पास होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, अगर नहीं लिखते हैं, ऐसे इग्नोर करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम बात कर रहे हैं PPE एंड उसके लिमिटेशन की। अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाए आउटलाइन द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग PPE, तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर, अभी सेफ्टी ऑफिसर का आप तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो HSC सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम पास करने के बाद आप HSC सेफ्टी ऑफिसर का आपको पोस्ट मिलता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे राइट करना है, कैसे समझना है, उसको हम सीख लेते हैं। तो ये कोर्स, ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई रही हैं, ये किसी भी ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए नहीं है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में इसको ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आउटलाइन द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग PPE की बात करें तो यह लिमिटेशन जो होता है उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आउटलाइन है, यहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट वो आउटलाइन आपको बताने हैं। अक्सर आपसे ये भी पूछा जाता है कि 3 आउटलाइन दीजिए, 2 आउटलाइन दीजिए या 4 आउटलाइन एग्जाम्पल आप इसका बताइए। तो अगर आउटलाइन पूछ रहा है तो आपको आउटलाइन के बारे में ही लिखना है, ठीक है, न कि एक्सप्लेनेशन, न कि डेफिनेशन, ये जरूर ध्यान रखिए। तो लिमिटेशन ऑफ यूजिंग PPE की बात अगर हो तो ये हो सकता है पुअर सेलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, इन इनकम्पेटेबिलिटी विद डिफरेंट टाइप ऑफ PPE, कॉन्टामिनेशन, मिसयूज, नॉन यूज ऑफ वर्कर, इरिटेट विद PPE, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे जो है इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें कि आपको, देखिए निबोस के एग्ज़ाम को अगर आप समझ लेंगे तो इसको पास करना बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए, लेकिन यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई पेपर आपका गड़बड़ हो चुका है या उस पेपर में पास नहीं हो पाए हैं तो आप निबोस क्रैक कोर्स की सहायता ले सकते हैं और उससे दोबारा एग्ज़ाम दे के पास कर सकते हैं। दूसरी बात, सबसे जो मुख्य बात है कि अगर आप निबोस कोर्स करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पहली बार में इस एग्ज़ाम को हम पास करें, तो यह बेहतर होगा कि आप सबसे पहले निबोस क्रैक कोर्स के द्वारा निबोस आप इसकी प्रिपरेशन कर लें, और प्रिपरेशन करने के बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप पहली बार में इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। निबोस क्रैक कोर्स क्या है? तो निबोस क्रैक कोर्स एक तरह का प्रिपरेशन है, एक तरह की तैयारी है, और उस तैयारी के माध्यम से आप जब आप निबोस IGC का एग्ज़ाम देते हैं तो आप कि पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि निबोस में 3 पेपर सब मिलेंगे आपको, GC1, GC2 और GC3, इन तीनों पेपर को क्लियर करना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। GC3 जो होता है टोटल प्रैक्टिकल होता है, GC1, GC2, GC1 में आपको जनरल चीज़ें और पॉलिसी वगैरह के बारे में, और GC2 में थोड़ा सा आपको और भी चीज़ें थोड़ा विस्तार से हो जाती है, और GC3 बिल्कुल प्रैक्टिकल है, प्रोजेक्ट है, इन तीनों पेपर का पास करना जरूरी है।
निबोस आपको एक मौका और भी देगा, अगर आप फेल हो जाते हैं किसी कारणवश तो आपको 5 साल का समय देता है और उसमें आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं और कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है वो उस टाइम ड्यूरेशन में। लेकिन जितनी बार आप एग्ज़ाम देंगे उतनी बार आपको पेमेंट करने होंगे, एग्ज़ाम फ़ी देनी होगी, चाहे वो एग्ज़ाम फीस जो भी हो, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी एग्ज़ाम होते हैं पेपर के वो आपको देने होंगे। तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को एक बार चेक कर लें, आपको समझ लें और उसके बाद अगर जाते हैं एग्ज़ाम के लिए तो शायद आपके आपका टाइम भी बचेगा और उसके बाद आपकी सफल होने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाएगी। यदि आप सऊदी, दुबई, अरब, कहीं भी आप वर्क कर रहे हैं या किसी फॉरेन कंट्री में वर्क कर रहे हैं किसी दूसरे पोस्ट पे और HSC में आना चाहते हैं, हेल्थ सेफ्टी में जाना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन कोर्स आप कर सकते हैं, HSC हेल्थ सेफ्टी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं या फायर एंड सेफ्टी कोर्स कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उम्मीद है कि यह बातें आपको समझ में आई होंगी। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।